नमस्कार, स्वागत है आपका नागाजी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाने की खिचड़ी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है घी, इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए आलू। ये हमने बारीक और पतले काटे आलू। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है खिचड़ी। ये खिचड़ी अगर आप एक बार व्रत में बनाएंगे ना, तो आप इसे बिना व्रत के भी खाएंगे। यहाँ पे हमने डाल दिए सोक्ड साबुदाने। हमने 2 घंटे के लिए सोक किए थे साबुदाने। आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया सेंधा नमक। और हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा है कम कर सकते हैं। ज्यादा तीखा पसंद करें तो ज्यादा डाल लें, और अगर कम तीखा पसंद करें तो कम डालें। यहाँ पे हमने डाल दिए पानी, क्योंकि हम बना रहे हैं रसीली। यहाँ पे हमने डाल दिए टमाटर। यहाँ पे अब हमें इसे बंद कर देंगे और थोड़ी देर बाद खोल लेंगे। 3 से 5 मिनट बाद खोल लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहिए। हमने एकदम लो फ्लेम पर रखी थी जिससे नीचे नहीं लगे, और बीच बीच में हमने चलाया भी था। फिर से हम 2 मिनट के लिए इसे ढक के बंद कर देंगे, फिर खोल लेंगे। ध्यान रखिए, आपको ये सब लो फ्लेम पर करना है और बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे क्या होगा, हमारी खिचड़ी नीचे बिल्कुल भी लगेगी। यहाँ पर हमने डाल दिया लेमन जूस में शुगर, रोस्टेड मूंगफली के दाने। ये खिचड़ी बहुत ही खट्टी मीठी अच्छी लगती है। हमने इसे सर्विंग के लिए निकाल लिया है, सर्विंग कर ली है इसकी। बहुत ही डिलीशियस बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।